क्लास 10th का चैप्टर लाइट का एग्जाम्पलर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और फर्स्ट 19 क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस होगी और एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। फर्स्ट ऑप्शन है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर बना सकता है और कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है, बिल्कुल ये दोनों बना सकते हैं। अगर आप कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख दें, पॉइंट सोर्स चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है पॉइंट सोर्स, तो कॉनकेव मिरर के फोकस पे भी आप रख सकते हैं और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे भी आप इस पॉइंट सोर्स को रख सकते हैं और पैरेलल बीम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर देता है अगर पॉइंट सोर्स से अपने लाइट को इंसिडेंट की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, अगर आपको पैरेलल बीम चाहिए कॉन्वेक्स मिरर से, तो आपको ऐसी लाइट प्रोजेक्ट करनी होगी जो उसके फोकस की तरफ जा रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल बीम देगा, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स को हम ऐसा रख नहीं पाएंगे, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर भी गलत हो जाएगा और कॉनकेव लेंस में भी सेम केस होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। प्लेन मिरर में क्योंकि इन्होंने 90 डिग्री दे दिया है, तो पैरेलल बीम तो हम नहीं बना सकते हैं प्लेन मिरर के 90 डिग्री पे, क्योंकि पॉइंट सोर्स से अगर लाइट जाएगी तो पॉइंट सोर्स ही लाइट भी ऐसी ही पॉइंट के मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ही पॉइंट के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, बिल्कुल एक पतली सी लाइन के फॉर्म में। कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, ये भी गलत है। केवल एक ही ऑप्शन सही है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। किसी को अगर डाउट आता है कि सर कॉनकेव लेंस भी पैरेलल बीम जनरेट कर सकता है या कॉन्वेक्स मिरर भी पैरेलल बीम जनरेट कर सकता है, बिल्कुल सही है आपका सोचना, लेकिन किस कंडीशन में, वो कंडीशन आपको सोचनी पड़ेगी। यहाँ पर कंडीशन पॉइंट सोर्स की दी है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर एक रे डायग्राम बना करके आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 mm लॉन्ग ऑल्पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल्पिन इज फॉर्मड एट 30 cm। ये इमेज 30 cm पे मिली है, क्या क्या मिल रहा है हमको देख लेते हैं। एच मिला है हमको 10 cm, सॉरी 10 mm। एच डैश मिला है कितना, -5 mm, क्योंकि इमेज जो होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना, कॉनकेव मिरर है ना, तो इमेज इन्वर्टेड बनने वाली है। और वी कितना दिया है, 30 cm इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखिए, किसी को अगर कंफ्यूजन है कि सर ये इन्वर्टेड क्यों बनेगी, रियल बनी है कैसे पता चला, तो ये ऐसे पता चला कि मिरर के सामने इमेज बन रही है और मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, तो वी की वैल्यू भी -30 cm हो गई। और अब आता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू कितना होता है, एम होता है, और एम का एक फॉर्मूला और बनता है, वो होता है एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये फॉर्मूला भी मैग्निफिकेशन के लिए होता है, ये वी बाय यू से ही हमने बनाया है, यहाँ पर यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है मिरर फॉर्मूला से। तो अब वैल्यू पुट करके और यहाँ पर निकाल लीजिए आप कौन सा आंसर आपका आ रहा है। एच डैश अपॉन एच तो आपका -1/2 बना, एंड एफ आपको फाइंड करना है, और नीचे जो एफ है उसका मल्टीप्लाई इस तरफ हो गया, एफ माइनस वी तो ऑलरेडी माइनस का है इसलिए एफ +30 cm। अब इसे सॉल्व करके देखिए जरा कितनी वैल्यू आ रही है, सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ रही है -f/2 है, ये एफ आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -3f/2 इज इक्वल टू +30, सो आई थिंक एफ विल बी 20, -20 cm, सो -20 cm ये इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉनकेव मिरर कब लार्जर इमेज बना सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है, और कैसी बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है,
तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड इंफिनिटी की तरफ जाने लगे तो इमेज जो होती है वो किधर जाने लगती है, मिरर की तरफ, और कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले जाएं तो इमेज जो होती है वो लार्जर बनने लगती है। ठीक है, मतलब हमें कहां से कहां जाना है, हमें जाना है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलना है फोकस तक। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको रियल और एनलार्ज इमेज मिलेगी, रियल और एनलार्ज। अगर आप फोकस के भी आगे चले गए तो आपको एनलार्ज इमेज तो मिलेगी लेकिन आपको वर्चुअल मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है, केवल ये वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारा कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसके एनलार्ज रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। फिगर 10.1 शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम बी। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? मीडियम बी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में। इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, म्यू बी अपॉन म्यू ए। म्यू मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये जो म्यू है दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उसी का एंगल हमें, उसी के एंगल का साइन लेना है। ठीक है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उसी के एंगल का साइन लेना है। तो हम मीडियम ए से चले तो मीडियम ए का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंगे इनटू मीडियम ए में इंसिडेंट एंगल कितना है, मीडियम ए में इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के साथ बनता है ना, ये इंसिडेंट एंगल नहीं है, ये इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री। सो साइन 60 इक्वल टू, अब किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा, म्यू बी, इसमें कौन सा एंगल है, इसमें है साइन 45। ठीक है, ये साइन 45। बस अब आपका सिंपल हो गया, आपको क्या फाइंड करना है, म्यू बी अपॉन म्यू ए फाइंड करना है। सो साइन 60 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू ए। और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है 1/2, और साइन 45 कितना होता है, साइन 40 होता है 1/√2। सो 1/√2 तो कितना बना, ये 1/√2, मतलब सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, म्यू बी अपॉन म्यू ए मतलब सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बी का पूछा है ए के रेस्पेक्ट में। अगर ए का पूछते बी के रेस्पेक्ट में तो √2 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का है। अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी। ओके, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आपको फिर से म्यू बी अपॉन म्यू ए बताना है। ठीक है, अच्छा क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी और जीरो। तो आप ये देखिए कि कौन सा मीडियम इसमें डेंसर है और कौन सा रेयर है, क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप? देखिए, ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है, मतलब ये वाला मीडियम जो है ये है डेंसर, क्लियर, और ये मीडियम जो है ये है रेयर, मतलब म्यू बी की वैल्यू म्यू ए से ज्यादा है, म्यू बी की वैल्यू म्यू ए से ज्यादा है। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 बनेगी ना, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, तो इट विल बी ग्रेटर देन 1, सो ग्रेटर देन यूनिटी। 5th का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए बी, ए एंड बी इमर्ज आउट फ्रॉम द बॉक्स holes C and D respectively is shown in figure. Which of the following could be inside the box? Rectangular slab, convex lens, concave lens or a prism? तो देखिए, convex lens होता तो parallel beam को converge कर देता, ये converge तो हो नहीं रही है। Concave होता तो parallel beam को क्या कर देता, diverge कर देता, ये diverge भी नहीं हो रही है, मतलब ये दोनों तो नहीं है।
ठीक है ना। और अगर प्रिज्म होता तो क्या कर देता, डेविएट कर देता लाइट रे को, है ना, और क्या करता, अलग अलग कलर में डिवाइड कर देता। तो ये ऐसा भी नहीं है। रेक्टेंगुलर स्लेब जो होती है वो लाइट रे को क्या कर देती है, डेविएट करती है, लेकिन स्प्लिट नहीं करती अलग अलग कलर्स में। और यहाँ दो लाइट रे है, दो ही लाइट रे बाहर निकल रही है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, मैंने एक बहुत छोटी सी गलती की है। ये साइन 60 है, और साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। ठीक है। सो √3/√2, ये ए ऑप्शन आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा। मैंने कॉस 60 की वैल्यू देखकर 1/2 रख दी है, बट ये साइन 60 है। ठीक है, तो इसे आप करेक्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए, इमर्जेस आउट ऑफ द होल ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, क्या हो सकता है अंदर। पैरेलल बीम है और बाहर आकर डाइवर्ज हो जा रही है, तो ग्लास स्लेब तो डाइवर्ज नहीं करती है। क्या ये प्रिज्म हो सकता है, प्रिज्म होता तो हमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं, इस तरह से वापस चली जाती है कॉनकेव लेंस में। तो कॉनकेव लेंस नहीं हो सकता, ये होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। कैसे, यहाँ देखिए एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये इस तरह से लाइट रे आ रही है तो ये क्या करेगी, ऐसे एक फोकस पे मिलेगी यहाँ पर, और फोकस से ऐसे चली जाएगी ये लाइट रे, फोकस से ऐसे चली जाएगी, और भी अगर कोई लाइट रे है तो वो फोकस से होती हुई ऐसे चली जाएगी, यहाँ से जो लाइट रे होगी वो फोकस से होती हुई ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारी लाइट रेज जो है ये इसी तरह से जा रही है, ए जो है ये 1 जो है ऊपर चली गई, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। कॉन्वेक्स हैज -4 डायोप्टर, ये तो गलत है क्योंकि -4 कॉन्वेक्स की नहीं हो सकती है, कॉन्वेक्स में हमेशा प्लस होती है। कॉनकेव हैज +4, ये भी गलत है। कॉनकेव हैज -4 एंड 0.25, तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि अगर कॉनकेव की पावर डायोप्टर पावर नेगेटिव होती है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, इसलिए डी भी गलत है। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है। और कॉन्वेक्स में हमेशा कैसी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है। सो ऑप्शन देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1, और कैन बी मोर देन और लेस देन, नहीं लेस देन 1, हमेशा छोटी इमेज बनती है। ठीक है, तो लेस देन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। सो इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। अगर 15 सेंटीमीटर पे कॉनकेव मिरर कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इसकी फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर है। ठीक है। और हमें अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करना है कि सेम साइज की हमें इमेज मिले, तो हमें कहाँ रखना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कौन सी डिस्टेंस, आर पे। आर कितना होता है, 2f के इक्वल, मतलब -30 सेंटीमीटर पे रखना है हमें। तो -30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब -30।